हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम इंसर्ट फंक्शन और रिसेंटली यूज्ड टूल का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम रिसेंटली यूज्ड को समझते हैं कि ये एक्सेल शीट पे कैसे वर्क करता है। इसके लिए आप सबसे पहले एक जगह क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट में काउंट ऑप्शन मिलता है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप यहाँ पे रेंज सेट करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ से चलिए रेंज सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इतना का रेंज सेट कर लिया। क्लियर? फिर उसके बाद में आप देखेंगे हम यहां से यहां तक का जो रेंज सेट किए हैं वो यहां पर आ चुका है सेलेक्ट करने के बाद। ओके, इसके बाद आप ओके कर दीजिए। यहां पे आपका आउटपुट प्राप्त होगा, ये जो सिलेक्टेड एरिया है, पॉइंटर एरिया। क्लियर गाइस? ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी को उसने काउंट करके बता दिया है। अब देखिए, हमने काउंट किया था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 काउंट में हमारा इस प्रकार से काउंट कर देता है। मान लीजिए हमें सभी को काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक जगह क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप क्या करिए, रिसेंटली यूज्ड में जाइए। फिर इसके बाद आप काउंट में क्लिक करिए। यहाँ पे आप रेंज सेट करिए। तो हम इसके लिए पहले इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया है, हमारा जो रेंज सेलेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में आप कुछ नहीं करना है, आपको ओके करना है, हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर गाइस? देखिए, आप यहाँ पे ओके करेंगे, आपका जो भी है काउंट वो सभी को काउंट करके बता देता है। क्लियर? चलिए, तो ये काउंट वाला तो हमारा क्लियर हुआ, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब इसके बाद आप देखेंगे हमें इसके बाद मैक्सिमम जानना है, तो इसके लिए आप पहले एक जगह क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप फिर रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे और मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए इतना का हमको मैक्सिमम जानना है तो आप इतना को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पे तो हमारा आ ही जाएगा, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 48 है जो सबसे लास्ट में है, उसको यहाँ पे वो शो कर दिया है। मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ क्या 55 लिख देता हूँ। क्लियर? और एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे वो चेंजेस आ चुका है। देखिए गाइस, यहाँ पे वो चेंज आ गया है। क्लियर? अब मान लीजिए मुझे इन सब में मैक्सिमम नंबर निकालना है, सबसे अधिक क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर एक जगह क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद में हम रिसेंटली यूज्ड पे जाएंगे और मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रेंज है सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में ओके कर देते हैं। देखिए 96 इसमें सबसे अधिक संख्या है। मान लीजिए मैं इसमें बढ़ाता हूँ बीच में कहीं पे 500 लिख देता हूँ। चलिए, एंटर। आप देखिए यहाँ पे आपको वो 500 मैक्सिमम नंबर में शो करेगा। क्लियर गाइस? चलिए, तो मैक्सिमम का तो हमारा क्लियर हुआ। अब मान लीजिए हम, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम फिर क्लिक करेंगे और यहां पे आपको क्या करना है, मान लीजिए इतना ही का करना है एवरेज, तो इतना को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे आप ओके कर देंगे।
तो देखिए एवरेज सभी का निकाल के दिखा देगा वो। मान लीजिए हमें सभी का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, फिर एक जगह क्लिक कर देंगे यहाँ और रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे और एवरेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रेंज सेट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। देखिए वो सभी का एवरेज निकाल के दिखा देता है। मान लीजिए इसके बीच में हम कोई चेंजेस लाए तो देखिए हमारा ये जो है वो एवरेज कैसे चेंज होता है। क्लियर गाइस? चलिए तो ये हमारा एवरेज का तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हमारा एवरेज का क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक जगह और फिर रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे। अब देखिए हमारा काउंट वाला आता है। क्लियर? तो काउंट में हम फिर क्लिक करेंगे। काउंट में क्लिक करने के बाद में हमें मान लीजिए इतना ही को बार काउंट करना है, तो हम एज रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए कुल 12 डिजिट होते हैं। मान लीजिए आपको इन सब का काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक जगह क्लिक कर लेते हैं, रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे और काउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में आप यहां से ओके कर दीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, देखिए सभी का वो काउंट करके बता देता है। क्लियर गाइस? चलिए अब इसके बाद में हम फिर एक जगह क्लिक कर लेते हैं। मैं इसे तो पहले डिलीट कर लेता हूं। अब इसके बाद हम रिसेंटली यूज्ड में, देखिए हमारा काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम भी हो चुका है। अब हम सम करेंगे, तो सम में जाके आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको फिर रेंज देना है। आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप फिर ओके कर दीजिए। देखिए यहां पे उन सब को वो टोटल बता दिया है। क्लियर गाइस? इन सभी का कुल टोटल योग यहाँ पे बता दे रहा है। मान लीजिए आपको इन सभी का टोटल निकालना है, तो आप एक जगह फिर क्लिक करेंगे और रिसेंटली यूज्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सम करना है। सम करने के बाद में आप इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप ओके कर दीजिए। देखिए आप इन सभी का टोटल वो जोड़ के बता देता है। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार हमारा ये रिसेंटली यूज्ड भी फॉर्मूला टैब में क्लियर होता है। क्लियर गाइस? चलिए गाइस, तो आज हम फॉर्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन को यूज करना सीखेंगे कि इंसर्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम पहले कुछ टाइप कर लेंगे। इस प्रकार से हमने कुछ टाइप कर लिया है। क्लियर गाइस? अब इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आता है सम फंक्शन। आप सम करना है, मान लीजिए इसे जोड़ना है आपको, तो आप सम में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप वो रेंज सेट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे इतने सभी को ऐड करना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आपको उन सभी का टोटल यहाँ पर से मिल जाएगा। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, आपको इसको यहाँ पे पहले क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करना है। सम करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आप रेंज सेट करेंगे। हमने यहाँ तक लिया,
और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 550 आंसर आ रहा है, इन सब का टोटल वो करके बता देते हैं। क्लियर गाइस? चलिए ये तो हो गया सम का। मान लीजिए हम इंसर्ट फंक्शन में काउंट करना चाहें, तो आप काउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए देखिए मैं यहां से यहां तक का रेंज सेट करता हूं, 5 से ये 14 तक का, और यहां पे मैंने जैसे ओके किया तो आप देख सकते हैं ये 10 नंबर शो कर रहा है। मतलब यहां पे से देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे यहाँ अकाउंट में 10 हो रहे हैं, तो गिनके इसने बता दिया कि 10 डिजिट्स हैं। क्लियर गाइस? मान लीजिए हमें इन सबको जो ऐड करना है, सभी को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? फिर इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे हम पूरा रेंज को सेट कर लेते हैं, ये लीजिए। और सेट करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा वो आ जाता है, यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो ये वहां पे उन सब का जो कुल काउंट है वो काउंट करके बता देता है। क्लियर गाइस? तो ये यहाँ पे हमारा काउंट वाला भी होता है इंसर्ट फंक्शन में। मान लीजिए हमको इंसर्ट फंक्शन में एवरेज निकालना है, तो पहले हम छोटी संख्या का निकालते हैं एवरेज। हमको एवरेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके हो जाने के बाद आप यहाँ से रेंज सेट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे इतने को ही इसका एवरेज निकालना है, तो हमने रेंज दे दिया है, उसके बाद आप ओके दे देंगे। देखिए यहाँ पे जिसने हमने रेंज सेट किया है वो यहाँ पे आ चुका है, आप ओके करेंगे और यहाँ पे वो उसका एवरेज बता देगा। आप देख सकते हैं 55। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए मुझे सभी का एवरेज निकालना है, इन सभी का, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में आप एवरेज में जाएं और ओके कर दें। फिर इसके बाद में आप यहां से पूरे का सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ओके कर दें। तो देखिए यहां पे से सभी का वो एवरेज निकाल देता है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ संख्या बड़ी है और कुछ कुछ संख्या छोटी भी है। देखिए जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 555 है, यहाँ पे 200 है, तो इसका तो एवरेज अलग आएगा ही। क्लियर गाइस? क्योंकि हर कॉलम में अलग अलग हो जा रहा है। क्लियर गाइस? चलिए तो ये हमारा एवरेज का यहाँ से क्लियर होता है। इसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन में ही मैक्सिमम और मिनिमम को लेते हैं। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए यहां पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम को और यहां पे आप ओके कर देंगे। यहां से आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस कॉलम में हमारा 100 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम नंबर को यहाँ पे वो शो कर रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए हमें इस सब में मैक्सिमम निकालना है, इन सभी में, तो हम क्या करेंगे? फिर जाते हैं इंसर्ट फंक्शन में और यहाँ पे हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऐसे सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर है 555 वो यहां पे वो शो कर देगा। क्लियर गाइस? चलिए ये तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो देख के जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।